हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका आज की क्लास में। मेरा नाम है वंदना और आप देख रहे हैं मिस केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। देखो, ये हमारा पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको पूरा VBT कंप्लीट करवा दिया था। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 5, 6 वाले सारे कॉम्प्लेक्सेस मैंने आपको पढ़ा दिए, ठीक है। और होमवर्क भी दिया था आपको करने के लिए। आई होप आप सबने किया होगा होमवर्क। और देखो, जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मैं उस वीडियो का आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो देखो, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं CFT के बारे में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो आप हेडिंग डालेंगे CFT, ठीक है। आज इसके बारे में हम कंप्लीट स्टडी करेंगे, तो इसका नाम है आपके पास फुल आएगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, देखो जो आपके पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो VBT है, VBT क्या कहती है? देखो, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मेटल लिगेंड बॉन्डिंग, ठीक है। यानी एक हमारे पास एक मेटल होगा, एक हमारे पास क्या होगा, लिगेंड होगा, ठीक है। अब जो VBT है, VBT क्या कहता है कि हमारे पास जो मेटल और लिगेंड है, इनमें जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी? प्योरली कोवेलेंट, प्योरली कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, ठीक है। लेकिन जो CFT है, CFT क्या कहता है कि जो मेटल और लिगेंड में बॉन्डिंग है वो क्या होगी? ये तो VBT बोलता है, CFT क्या बोलता है कि मेटल और लिगेंड में बॉन्डिंग कौन सी होती है हमारे पास? प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग, ठीक है। देखो, इसमें क्या है, हमारे पास एक मेटल होगा, एक हमारे पास लिगेंड होता है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग है, तो सपोज हमारे पास एक मेटल है, ठीक है, और एक लिगेंड है। लिगेंड इसमें हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं एक तो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड हो सकते हैं, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड हमारे पास हो सकते हैं, या फिर हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड हो सकते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स हमारे पास हो सकते हैं। तो अब इसमें जो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स हैं वो कौन से आ सकते हैं हमारे पास? लाइक CN-, F-, ठीक है, CN-, BR-, इस तरीके से हमारे पास जो भी आएंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। जैसे BR- हो गया, CN- हो गया, इस तरीके से वो सारे इसमें आएंगे। अगर हम न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल में अमोनिया आ गया, वाटर आ गया, CO आ गया, NO आ गया, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये किस में जाएंगे हमारे पास? न्यूट्रल लिगेंड में। अगर आपके पास जो लिगेंड है, अगर मेटल जो लिगेंड के साथ अटैच्ड है, अगर जो लिगेंड अगर आपका नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आयन इंटरेक्शन, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? आयन इंटरेक्शन, ठीक है। अगर आपके पास जो लिगेंड न्यूट्रल लिगेंड आता है, अगर मेटल के पास जो लिगेंड अटैच्ड है, अगर वो लिगेंड आपका न्यूट्रल है, तो हम क्या बोलेंगे? आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो देखो, ये बेसिक बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी CFT के बारे में। ये सिर्फ बेसिक था कि इसमें जो लिगेंड है किस टाइप के हो सकते हैं। दो तरह के लिगेंड आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं इसमें, या तो आपके पास नेगेटिवली चार्ज लिगेंड हो सकते हैं या फिर न्यूट्रल भी हो सकते हैं। नेगेटिवली चार्ज होंगे तो उसको हम बोलेंगे आयन इंटरेक्शन, अगर न्यूट्रल होंगे तो उसको बोलेंगे हम आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये सब बातें थी जो बेसिक बातें मुझे बतानी थी। अब हम इस पे ना अजम्पशंस की तरफ चलते हैं। अजम्पशंस हमने VBT में भी पढ़े थी, ठीक है, और कुछ अजम्पशन CFT की भी है, ठीक है। तो ये अजम्पशन हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आएगा जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे CFT के, वो सारे मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। पहले हम इसके अजम्पशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हम अजम्पशन स्टार्ट करते हैं CFT की। तो देखो, यहाँ पे मैंने 5 अजम्पशन लिखी हैं, 2-3 और हैं 5 के अलावा, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो 5 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपकी, ये 5th है, ठीक है, इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनो, पहला जो अजम्पशन हमारे पास क्या है? द ट्रांजिशन मेटल आयन इज सराउंडेड बाय द लिगेंड्स विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो, मैंने आपको क्या बोला है, सिंपल भाषा में समझाती हूँ कि हमारे पास एक मेटल है, मेटल को कौन सराउंड करता है? लिगेंड्स। यानी मेटल के आसपास कौन लगे होते हैं? लिगेंड्स। तो लिगेंड्स जो मेटल के आसपास लगे होंगे, उनके पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है, ये बेसिक अजम्पशन हमारी पहली थी। उसके बाद हमारे पास है सेकंड अजम्पशन, ऑल दी टाइप ऑफ लिगेंड्स आर रिगार्डेड एज पॉइंट चार्ज, यानी जो भी हमारे पास लिगेंड्स होंगे जो मेटल को के आसपास होते हैं जो लिगेंड्स, उनको क्या मानते हैं, वो एज अ पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, थर्ड अजम्पशन क्या है हमारे पास, द इंटरेक्शन बिटवीन द मेटल एंड द नेगेटिव एंड्स ऑफ द एनायन इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो मैंने आपको बोला है कि जो CFT में जो मेटल और लिगेंड्स होते हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो क्या मानी जाती है, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो थर्ड पॉइंट वही है कि हमारे पास जो मेटल होगा और उसके बाद जो मेटल आयन होगा और द नेगेटिव एंड्स ऑफ द अनायन, यानी जो लिगेंड होगा, कौन सा लिगेंड, नेगेटिव वाला अनायन वाला लिगेंड, उनमें जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग। क्लियर। उसके बाद देखो, द लिगेंड सराउंडेड द मेटल आयन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दीज इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लुएंसेस द एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, द लिगेंड सराउंडिंग द मेटल आयन प्रोड्यूस। अच्छा, तो इसमें क्या है, फोर्थ पॉइंट में देखो, ये भी मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ कि आपने डी ऑर्बिटल्स पता है हमारे पास, डी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ये वाले डी ऑर्बिटल, ठीक है, पांच ऑर्बिटल्स होते हैं। अभी पांचों ऑर्बिटल्स क्या है, एक ही स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, मतलब सेम स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम डीजनरेट स्टेट बोलते हैं। ठीक है, डीजनरेट स्टेट का मतलब होता है कि हमारे पास जो डी ऑर्बिटल्स है ना, वो एक ही स्टेट में प्रेजेंट है। अगर आप इलेक्ट्रॉन डालोगे तो किसी में भी आप इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, बारी बारी से 1, 2, 3, 4, 5 हम किसी में भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, अगर ये मेटल थी, ठीक है, मेटल के साथ क्या लगने स्टार्ट हो गए हमारे पास, लिगेंड्स। जब हमारे पास लिगेंड्स लगने स्टार्ट होते हैं तो उस कंपाउंड में हमारे पास क्या लगने स्टार्ट हो जाती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगने स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण हमारे पास जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, ये 5D ऑर्बिटल्स थे, वो क्या हो जाते हैं, वो इस स्टेट से थोड़ा ऊपर वाले स्टेट में चले जाते हैं, यानी कि जो उसकी एनर्जी है ना वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, यानी जो यहाँ पे थे ना ऑर्बिटल्स वो कहाँ आ जाएंगे, ये वाले स्टेट। ठीक है, तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, क्यों, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हुई है। ठीक है, तो ये चीज होती है। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट ये था हमारे पास। उसके बाद देखो, इन केस ऑफ फ्री मेटल आयन ऑल द 5D ऑर्बिटल्स हैव द सेम एनर्जी, दीज ऑर्बिटल हैविंग द सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो ये वाला पॉइंट है ना, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ विद डायग्राम, तो एक बार इसको उतार लीजिए, फिफ्थ पॉइंट को एक बार छोड़ दीजिए, आगे मैं समझाती हूँ इसको। ठीक है, आप अपनी नोटबुक पे इसको अच्छे से उतार लीजिए, बेसिक अजम्पशंस। ठीक है, तो अभी इसको उतारिए, फिर मैं आपको फिफ्थ वाले पॉइंट करवाती हूँ। देखिए, जो अजम्पशन 5 थी, ठीक है, फिफ्थ अजम्पशन जो थी मुझे आपको वो समझानी थी, वो मैं आपको समझाती हूँ। पहले हम देखते हैं शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, देखो, इसमें मैंने आपको डी ऑर्बिटल्स बताए हैं, आपको पता है डी ऑर्बिटल पांच होते हैं, तो पांचों की जो शेप है मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये आपका DXY है, ये आपका DZY है, ये DZX है, ये DX²-Y² है, और ये DZ² है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है, मैंने आपको बोला है कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, पहले फ्री आयंस जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो डी ऑर्बिटल वो पांचों एक ही एनर्जी पे होते हैं। ठीक है, जब इन पे कोई भी, जब जो मेटल होता है, मेटल के ऊपर जो लिगेंड जब अप्रोच करने लग जाते हैं, तो उनमें क्या आ जाती है, जो 5D जनरेट ऑर्बिटल्स जो थे उनमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, जिसके कारण उसकी जो एनर्जी है वो रेज कर जाती है यहाँ पे, यानी 5D ऑर्बिटल वो कहाँ पे चले जाते हैं, इस वाली स्टेट के ऊपर। ठीक है, इसमें भी सेम चीज़ है कि हमारे पास देखो, ये क्या है, हमारे पास मेटल है, जब यहाँ पे लिगेंड अप्रोच करता है ना, सपोज हमारे पास ये लिगेंड है ना, यहाँ से अप्रोच करेगा लिगेंड, ये ना इस एक्सिस से अप्रोच करनी है, जो एक्सिस है ना हमारी, यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से जब ये लिगेंड अप्रोच करेगा, इसको तो कोई ऑर्बिटल नहीं मिला इस पर, ठीक है, नहीं मिला, जब लिगेंड ने यहाँ से अप्रोच करा तो इसको यहाँ से भी कोई भी लिगेंड यानी कोई भी ऑर्बिटल नहीं मिला। ऑर्बिटल क्या है, इन बिटवीन द एक्सिस, यानी एक्सिस के बीच में है, इसके बीच में है ऑर्बिटल और इन दोनों के बीच में ऑर्बिटल है। ऐसे ही सेम चीज़ अगर यहाँ से लिगेंड अप्रोच करता है, यहाँ से अप्रोच करता है, तो उसको कोई भी ऑर्बिटल नहीं मिलता, क्यों, क्योंकि ऑर्बिटल कहाँ है हमारे पास, इन बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे, अगर यहाँ पे भी देखें तो सेम चीज़ ही हमारे पास यहाँ पे होगी, क्योंकि ऑर्बिटल कहाँ है हमारे पास, इन बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई भी एज अ रिपल्शन इसमें भी नहीं होगी, इसमें भी नहीं होगी, इसमें भी नहीं होगी। अगर इसकी बात करें तो ऑर्बिटल हमारे पास कहाँ से अप्रोच करेगा, यहाँ से और यहाँ से,
जब लिगेंड ने यहाँ से अप्रोच करा तो उसको एक ऑर्बिटल मिल गया, जिसके कारण लिगेंड का ऑर्बिटल और ये मेटल का ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ टकराते हैं, जिसके कारण उनकी क्या होती है, रिपल्शन। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी, ठीक है, तो इसमें रिपल्शन होनी चाहिए। अगर इसमें देखें डिजर्ट स्केयर में, तो यहाँ से भी ऑर्बिटल का है हमारे पास, एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी हमारे पास, उसमें भी रिपल्शन होगी, जिसके कारण इनकी जो एनर्जी होती है वो ऊपर चली जाती है। अब देखो यहाँ पे क्या है, रिपल्शन हो रही है, क्योंकि जब ऑर्बिटल यहाँ पे आता है, इस एक्सिस के ऊपर आता है, तो इनमें क्या होती है, रिपल्शन होती है, जिसके कारण इन दोनों जो ऑर्बिटल हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनकी एनर्जी क्या चली जाती है, ऊपर चली जाती है, लेकिन इनमें कोई भी एज सच रिपल्शन नहीं हो रही है, तो इनकी एनर्जी क्या रहती है, नीचे रहती है। अब किस तरीके से मैं बोल रही हूँ ऊपर नीचे, देखो हमारे पास क्या है, ये डी ऑर्बिटल, ये क्या है हमारे पास, डी ऑर्बिटल, ये क्या है हमारे पास, फ्री आयन है, ठीक है, जिनका अब यहाँ पे मैंने क्या अप्लाई कर दी, कोई ना कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे थे, जिसके कारण इनकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाएगी और ये यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है, कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे भी ये डीजनरेट थे, यहाँ पे भी डीजनरेट है, लेकिन अगर बात करें इसकी अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना, वो इससे क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एनर्जी अप्लाई करी है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं, ये जो डी ऑर्बिटल यहाँ पे जब लिगेंड्स ने अप्रोच करना स्टार्ट करा, तो यहाँ पे क्या होगी, ये डिफरेंट पार्ट्स में क्या है, मतलब बिखर जाएंगे, ठीक है, किस तरीके से बिखरेंगे, जब लिगेंड ने अप्रोच करना स्टार्ट करा तो इनकी एनर्जी तो कम रहेगी, क्यों, क्योंकि जब लिगेंड अप्रोच करता है, इनके ऑर्बिटल तो इन बिटवीन द एक्सिस, तो कोई भी एज सच रिपल्शन नहीं होगी, तो ये रहेंगे हमारे पास ग्राउंड स्टेट पे रहेंगे, लेकिन इनमें रिपल्शन हमें दिख रही है, तो इनकी जो एनर्जी है वो थोड़ी हाई चली जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे, दो ऑर्बिटल तो हमारे ऊपर आ जाएंगे और तीन ऑर्बिटल हमारे नीचे आएंगे, ठीक है। अगर हमें इनका नाम देना हो कि कौन से आए हैं, तो डी एक्स वाई, एक जेड वाई, एक जेड एक्स, ठीक है, इनका नाम क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक डी जेड स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गया। अब इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस देखें तो कितना है, डेल्टा नोट 10 डी क्यू, ये कब है हमारे पास, ये कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अगर हम देखें तो, ठीक है जी। अब बात किसकी कर रही हूँ, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, ठीक है। टेट्रा जो हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उसमें कुछ और होता है, एनर्जी हमारे पास सेम रहती है, लेकिन अभी मैं बताऊंगी किस तरीके से, पहले आप ऑक्टाहेड्रल समझ लीजिए। तो इसमें क्या है, हमारे पास दो ऊपर जाते हैं, तीन हमारे पास ऑर्बिटल नीचे आते हैं, तो इन 10 को मुझे डिवाइड करना है, तो ऊपर वाली जो एनर्जी होती है, इस बैरी सेंटर, ये क्या है हमारे पास, बैरी सेंटर है, ठीक है। इस सेंटर से अगर हमें ऊपर की एनर्जी देखनी है, तो ये क्या हमारे पास होती है, नीचे इधर लिख देते हैं, 6 डी क्यू। अगर डी क्यू के फॉर्म में देखनी तो इस तरीके से, अगर डेल्टा नोट के फॉर्म में देखनी है तो आपको 0.6 डेल्टा नोट मिलेगी, ठीक है। अगर नीचे वाले देखनी है, ये वाली एनर्जी, तो ये कितनी बच गई, 10 में से 6 ये हो गई, तो ये कितना, 4 डी क्यू। अगर डेल्टा नोट, तो 0.4 डेल्टा नोट, इस तरीके से, ठीक है। ये थी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरीके से भरे जाते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। यानी हमारा जो काम है ना, वो सारा हो जाएगा, मुझे अलग अलग से नहीं बताना पड़ेगा। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में तो ये चीज़ होती है। अगर हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, तो इसमें मैं बता देती हूँ अलग से बना के, यहाँ तक तो सेम चलेगा, डीजनरेट तक तो सेम चलेगा, लेकिन अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, तो हमारे पास क्या होएगा कि तीन ऑर्बिटल्स तो ऊपर आते हैं, दो ऑर्बिटल्स नीचे जाते हैं, ठीक है। तीन ऑर्बिटल ऊपर और दो ऑर्बिटल नीचे, तो ये जो हमारे पास है, बस इसका नाम डी एक्स वाई, डी जेड वाई, डी जेड एक्स, इसका नाम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये डी जेड स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है, जो ये बैरी सेंटर है, ठीक है, बैरी सेंटर सेम रहेगा, डिस्टेंस हमारा सेम रहेगा, लेकिन जो ये चीज़ है ना, ये वाली, ये है इनका जो डिफरेंस है 6 डी क्यू का, बस इसमें उल्टा हो जाएगा, ये 4 डी क्यू बन जाएगा, ठीक है। यानी 0.4 डेल्टा नोट, इसमें 6 डी क्यू, यानी 0.6 डेल्टा नोट, क्लियर। ये चीज़
ठीक है। अब देखो, हाँ एक और चीज़ रह गई, अब ये जो ऑर्बिटल ऊपर वाले हैं ना, इसका नाम होता है ईजी, इसका नाम होता है टी टू जी, ठीक है, इसका नाम होता है ईजी और इसका नाम होता है टी टू जी, ठीक है। जी का मतलब क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरीके से देखो, हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है? ये मेटल, ये लिगेंड, इस तरीके से लिगेंड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब देखो इसकी सिमिट्री है ना, अगर इधर देखें तो इधर भी लिगेंड है, इसके ऑपोजिट देखें तो लिगेंड है, ठीक है। इधर देखें इस साइड, यह भी लिगेंड है, इधर देखें तो लिगेंड है, यानी सिमिट्री है। इधर देखें तो लिगेंड, इधर देखें तो लिगेंड, यानी सिमिट्री है। यहाँ पे तुम क्या बोलेंगे? इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सिमिट्री होती है, तो सिमिट्री दिखाने के लिए मैंने जी लगा दिया, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, ये क्या है हमारे पास? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल की बात करें, कहाँ पे यहाँ बताती हूँ, ठीक है। तो बच्चे इसमें होता क्या है टेट्राहेड्रल में, ये हमारे पास मेटल इस तरीके से है, नो डाउट ये वाला लिगेंड तो यहाँ पे लिगेंड है, तो यहाँ पे तो सिमेट्री दिख रही है। अगर ये वाला लिगेंड इधर अटैच है तो इसके सामने कोई लिगेंड है? नहीं। इसके सामने कोई लिगेंड है? नहीं। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है, वो नहीं है, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिख दो, सेंटर ऑफ सिमेट्री लिख दो, कुछ भी लिख दो, वो नहीं है, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होती है, ठीक है। तो इसमें जी नहीं लगेगा, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा? टी टू, इसका नाम ई टू, ठीक है, क्योंकि ये तो नीचे चला गया ना उसके केस में, तो क्या बन गया? ई टू, और इसके केस में क्या बन गया? वो टी टू, टी टू, ठीक है, जी नहीं लगाना, क्लियर है। अब हम समझते हैं हमारे पास जो होती है, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं ना हम, वो किस तरीके से भरेंगे, ठीक है। तो बच्चे ध्यान से देखना इस पर, तो ध्यान से देखो इसमें क्या होगा। देखो जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल फील्ड होती है, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल फील्ड होती है, मैं लिख देती हूँ, फिर अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, अरे यार, ठीक है। देखो जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल फील्ड होती है, उसमें दो फील्ड लगती है, एक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड, एक वीक फील्ड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब है लो स्पिन, और वीक फील्ड का मतलब है हाई स्पिन। लेकिन जो टेट्राहेड्रल होता है उसमें सिर्फ क्या होता है हमारे पास? हाई स्पिन। सिर्फ हमारे पास किसका केस चलता है? हाई स्पिन का, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, अगर हमारे पास जो लिगेंड्स अटैच्ड होंगे, ठीक है, अगर हमारे पास लिगेंड अटैच्ड जो लिगेंड होंगे, अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरीके से भरे जाएंगे? लो स्पिन। अगर हमारे पास लिगेंड्स जो मेटल के साथ अटैच्ड हैं वो वीक फील्ड है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके थ्रू भरे जाएंगे? हाई स्पिन के थ्रू, ठीक है। लेकिन टेट्राहेड्रल में ऐसा कुछ नहीं होता, जो भी लिगेंड्स लगा हो, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, वहाँ पे हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होगी वो क्या होगी? हाई स्पिन, ठीक है। अब हम समझते हैं वन बाय वन। देखो इसमें ना स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड्स कौन से होते हैं, इसके बाद मैं आपको लिखवा दूंगी कॉपी पे, वो लिख लेना और उसको याद कर लेना, ठीक है। याद आपको करना है, मैं लिखवा दूंगी वो, ठीक है। अब हम समझते हैं सबसे पहले स्ट्रॉन्ग फील्ड। देखो बच्चे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लो स्पिन का मतलब क्या है कि हमें क्या भरने हैं? इलेक्ट्रॉन। सपोज हमें इलेक्ट्रॉन भरना है, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो हम एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भर देंगे, क्लियर, ठीक है। दो है तो दो यहाँ पे आ जाएगा, अगर तीन इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो तीन, तीसरा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। मैं किसके बात कर रही हूँ? स्ट्रॉन्ग फील्ड की, बस ध्यान में रखना किसकी बात चल रही है हमारे पास? स्ट्रॉन्ग फील्ड की, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड में पहले एक इलेक्ट्रॉन मैंने दिया तो एक यहाँ पे भरा, दो इलेक्ट्रॉन दिया दूसरा आपने यहाँ भर दिया, तीसरा इलेक्ट्रॉन दिया तो आपने यहाँ भर दिया, लेकिन मैंने दिया चौथा इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या करोगे? वन टू थ्री फोर यहाँ पे नहीं करना। स्ट्रॉन्ग फील्ड में अगर मैं फोर इलेक्ट्रॉन आपको देती हूँ तो आपको क्या करना है? वन टू थ्री फोर, फाइव दिया तो फाइव यहाँ, सिक्स दिया तो सिक्स यहाँ,
यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं तो आपको हमेशा नीचे वाले ऑर्बिटल्स पहले फील्ड करने हैं, ठीक है, ऊपर नहीं जाना, ठीक है। अगर आपके पास चार इलेक्ट्रॉन्स है तो 1 2 3 4, 5 है तो 1 2 3 4 5, 6 है तो 1 2 3 4 5 6, क्लियर। यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे तो आपको हमेशा नीचे वाले ऑर्बिटल्स फिल करने होते हैं। तो ये हमारे फील्ड हुए। अगर मैंने दिया आपको 7 इलेक्ट्रॉन्स तो 6 आपने स्ट्रॉन्ग फील्ड में यहाँ भर दिए, 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट हुए। 7 कहाँ जाएगा, यहाँ, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बची, एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 7 यहाँ चला गया। अगर 8 दिए होते तो यहाँ, 9 दिए होते तो यहाँ, 10 दिए होते तो यहाँ, क्लियर है। बस स्ट्रॉन्ग फील्ड में ध्यान रखना हमेशा क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन दिए हुए पहले आपको नीचे भरने हैं। एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, अगर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6, ऊपर नहीं जाना स्ट्रॉन्ग फील्ड में, ठीक है। तो ये बात थी हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड की। अब आपको जो इसके कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरीके से लिखनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन, ये तो आपको समझ में आया, अब मुझे ये बताओ T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैंने तो 10 भर दिए पूरे, T2G में बताओ कितने हैं, 6, 2 4 6, तो 6। EG में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, 1 2 3 4, तो ये होगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन, T2G 6 EG 4, ठीक है। तो ये बात हुई। अब हम चलते हैं हमारे पास हाई स्पिन की तरफ, ये बात हो गई हमारे पास। अब हम चलेंगे हाई स्पिन। ये क्या है हाई स्पिन, इसमें मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी तो इसलिए मैंने लिख दिया। तो यहाँ से मैं एक इसको रब कर देती हूँ, ठीक है। देखो हाई स्पिन में बच्चे क्या होता है, हाई स्पिन में हमेशा क्या करना है आपको, पहले मान लो मैंने दिए हैं हाई स्पिन के अकॉर्डिंग आपको दिए 4 इलेक्ट्रॉन्स, आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स बनने हैं, तो हाई स्पिन में क्या करना है, 1 1 2 3, अब जो चौथा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। ये जो होते हैं ना हमारे पास वीक लिगेंड में ये केस होता है कि हमारे पास जो लिगे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, पहले एक एक भरे जाते हैं हर ऑर्बिटल में, एक एक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर पेयरिंग करवानी है। इसमें क्या है, पहले पेयरिंग करवानी है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6। लेकिन हाई स्पिन के केस में क्या आएगा, यानी वीक फील्ड के केस में क्या आएगा, पहले आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल में भरने हैं, 1 2 3 4 5, ये हो गए मान लो टोटल मैंने आपको दिए हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आपने क्या भरा, 1 2 3 4 5, 5 भरे गए, फिर पेयरिंग कराओ, 6 7 8, कंप्लीट। अगर 10 दिए होते 9 10, क्लियर। पहले सिंगल फील्ड, फिर डबल डबल, ठीक है। तो ये केस था हमारे पास किसमें, वीक फील्ड में। बस इसमें भी अगर लिखनी है तो लिखी तो सेम ही जाएगी, T2G में कितने, 6 और EG में 2, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल तो मैंने क्या बोला है, इसमें क्या चलती है, ओनली हाई स्पिन। जो मर्जी लिगेंड दिया हो, स्ट्रॉन्ग हो वीक हो, कोई मतलब नहीं है, हमेशा हाई स्पिन करवाना है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स पहले आपको सिंगल फील्ड करने हैं, यानी 1 2 3, क्या है, हाँ पहले 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कैसे, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स भर के दिखा दिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें हमेशा क्या चलेगी, हाई स्पिन, ठीक है। बस इसमें बस जी ने लगाया, बाकी सेम है। इसमें कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो E2 1 2 3 4, अगर T2 में लिखनी है 1 2 3 4 5 6, तो ये वाली इसके कॉन्फ़िगरेशन आ गई, ठीक है। बस जी ने लगाना, समझ में आ गया। ये हमने सारे इलेक्ट्रॉन्स भी बनने सीख लिए हैं अब, जे ये हमारे पास हो गया है। आगे हम करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। देखो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन्स भरना तो सिखा दिया ऑक्टाहेड्रल फील्ड में एंड टेट्राहेड्रल फील्ड में, ठीक है। लेकिन मैंने आपको पेयरिंग नहीं निकालने सिखाई, वो मैं आपको निकालना सिखा देती हूँ अभी, ठीक है। अगर हम बात करें ऑक्टाहेड्रल फील्ड की,
अगर हम बात करें ऑक्टाहेड्रल फील्ड की, तो उसमें क्या है, दो ऑर्बिटल्स ऊपर होते हैं और तीन ऑर्बिटल हमारे पास नीचे होते हैं। अगर हम बात करें डी वन, यानी डी में एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास, जो पूरा डिस्टेंस था वो 10d³ का था, ऊपर वाला डिस्टेंस कितना था 6d³ का, और नीचे वाला डिस्टेंस 4d³ का, ठीक है। ये था हमें क्या, हमें गिवन क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है, हमने एक इलेक्ट्रॉन भरा, अगर इसकी एनर्जी हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 4 से, ठीक है। 4 यानी ये जो होता है एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या आएगा हमारे पास, जो नीचे वाली एनर्जी होती है वो माइनस में होती है, ऊपर वाली एनर्जी प्लस में होती है, ठीक है। तो -4d³, तो ये क्या आ गया, -4d³, ठीक है। ये चीज़ होती है, अगर आपको ऐसे दिया हो 0.4 में डेल्टा नोट में, तो आप फिर से ऐसे निकाल सकते हो -0.4 डेल्टा नोट, तो यहाँ पे कितना आएगा, -0.4 डेल्टा नोट, ठीक है। तो जैसे आपका दिल करे वैसे आप निकाल लेना, मतलब जिस में भी आपको पूछा हो वो आप निकाल सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे दिया हो, ये हो गया D1 के लिए, अगर हमें दिया हो D2 के लिए, तो यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन और भर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 2 -4d³, ठीक है। तो -8d³, अगर 2 इलेक्ट्रॉन -0.4 डेल्टा नोट में दिया हो, तो -0.8 डेल्टा नोट, क्लियर। तो इस तरीके से भरना है, ठीक है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन दिए हो तो 3 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे आ जाएंगे, तो आप निकाल लेना। अगर बात आती है D4, ठीक है, D4 यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स दिए हो या फिर 5 इलेक्ट्रॉन्स दिए हो, तब बात आती है हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की और वीक फील्ड लिगेंड्स की, ठीक है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, दैट मीन्स यहाँ पे अगर आपके पास दो D4 के केस में, D5 के केस में, D6 यानी अप टू, है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करें, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे ही इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। मैंने भर दिया यहाँ पे, ठीक है। मैंने सपोज D5 लिया, सपोज मैंने D5 लिया, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो मैंने ये वाला इलेक्ट्रॉन भरा, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5, ठीक है, -4d³, तो कितना हो गया, -20d³, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई, लेकिन इसके साथ में आपको पेयरिंग एनर्जी भी लिखनी पड़ेगी। पेयरिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे ऐसे बताओ मुझे कितने पेयर में हैं, ये तो सिंगल है, अगर इसकी बात करें तो एक ये पेयर में, एक ये वाला पेयर में, तो कितने पेयर आ गए, 2 पेयर, ठीक है। तो हम इसके साथ लेंगे, लिखेंगे 2p, यानी 2 पेयरिंग एनर्जी भी इसमें इंक्लूड करनी है, ठीक है। तो 2p, अगर 3 पेयरिंग में है तो आप क्या लिख देंगे, 3p, 1, 2, 3 होता तो 3p लिख देते, ठीक है। अगर आपके पास वीक है तो बस ऊपर ऊपर भर देना, इस तरीके सिंगल सिंगल भर देना, बस एनर्जी तो वैसे ही निकालनी। एक और चीज़, हाँ ठीक है, अगर आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है, अगर आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है, तो वही चीज़ अगर आपको भरनी है, अगर मैं इसको मिटा दूं यहाँ से, D5, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो आपको इसकी एनर्जी निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन नीचे है, इसमें क्या है, -4d³, ऊपर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्लस, ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 × 6d³, तो इसमें कितना आ गया, -12d³ +12d³, तो क्या आ गया, कट के 0d³, यानी एनर्जी कितनी आ गई इसकी, 0, ठीक है। तो ऐसे समझ में आ गया, ये तो हमारे पास क्या हुआ, हाफ फील्ड हो गया ना। हाफ फील्ड और फुली फील्ड के लिए एनर्जी हमेशा 0 होती है, ये याद ही रख लेना, हाफ फील्ड और फुली फील्ड के लिए एनर्जी 0 होगी। अगर ये 4 के लिए पूछता तो हम 4 यहाँ पे भरते, तो हमारे पास 4 के लिए क्या आता, D4, 3 - 4d³ +1 इलेक्ट्रॉन 6d³, तो +12d³ +6d³, तो एनर्जी कितनी आ गई, -6d³, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया, इस तरीके से। बस टेट्राहेड्रल होगा तो टेट्राहेड्रल में उल्टा कर देना, उल्टा किस तरीके से कि यहाँ पे 3 ऑर्बिटल ऊपर चले जाएंगे, ये 2 ऑर्बिटल नीचे आएंगे, ठीक है। चलो मैं बताई देती हूँ आपको, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करते हैं टेट्राहेड्रल की बात कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम फैक्टर्स की बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल फील्ड की। अभी मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल कंप्लीट करवा दिया है, टेट्राहेड्रल की अगर बात करें तो उसमें हमेशा क्या होता है,
हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ये। तो होता क्या है, इसमें तीन ऑर्बिटल ऊपर, दो ऑर्बिटल नीचे, इसका नाम E2, इसका नाम T2, ये होता है 10D क्यू, ठीक है, ये बेरी सेंटर, इसकी एनर्जी होती है 4D क्यू, इसकी एनर्जी 6D क्यू, ठीक है, पहले ये लिख लेना। अगर हम बात करें 1 की, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो कितना आएगा, -6D क्यू, तो -6D क्यू आ गया। अगर आपको डेल्टा नोट में लेना है तो 0.6 डेल्टा नोट नेगेटिव -0.6 डेल्टा नोट, ठीक है, तो ऐसे निकाल लो। या दो हो इलेक्ट्रॉन्स तो किस कैसे निकालोगे, 2 × 6 -6D क्यू, तो -12D क्यू, ठीक है। अगर ऐसा हो डेल्टा नोट में दिया हो डेल्टा नोट, तो कितना आ गया, -1.2D क्यू डेल्टा नोट, ठीक है, इतना ही आएगा, ठीक है, इस तरीके से। बस इसमें D3 हो तो यहाँ कर देना एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कैसे करोगे, दो इलेक्ट्रॉन नीचे, -6D क्यू, उसके बाद प्लस 1 इलेक्ट्रॉन 4D क्यू, ठीक है, तो कितना आ गया, -12D क्यू प्लस 4D क्यू, कितना आ गया, -8D क्यू आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से निकालना है, 4 दिया हो 5 दिया हो वो आप कर लेंगे, ठीक है। अगर पेयरिंग में कब आएगा, 4-5 इलेक्ट्रॉन तो सिंगल आएंगे, उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, तो एक पेयरिंग एनर्जी साथ जुड़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, समझ में आ गया। अब हम करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग CFT, यानी कौन से जो फैक्टर हैं जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे अफेक्ट करते हैं, वो हम स्टडी कर लेते हैं यहाँ पे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स, यानी कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे पास, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आती है, यानी हमारे पास, मैंने क्या बोला था, जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल क्या करते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं दो पार्ट्स में, ऊपर क्या जाता है EJ सेट, नीचे क्या आता है T2 सेट, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, डेल्टा नोट, ठीक है। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उस डेल्टा नोट पे इफेक्ट डालेंगे, ठीक है, तो ये हमें करना है। तो सबसे पहले आएगा उसमें लिगेंड्स। देखो, जो हमारे पास आता है, जो मेटल के आसपास जो लिगेंड्स अटैच्ड होते हैं, अगर उसको चेंज कर दे, उसको चेंज करने से, लिगेंड्स को चेंज करने से डेल्टा नोट पे क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है, स्मॉल लिगेंड्स कैन कॉज ग्रेटर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बिकॉज दे कैन अप्रोच टू द मेटल लाइन क्लोजली। यहां पे मैंने क्या लिखा है, देखो, जो लिगेंड छोटा होगा, आसान भाषा में मैं आपको समझा देती हूँ, जो आपका लिगेंड स्मॉल होगा वो ईजिली मेटल की तरफ अप्रोच कर पाएगा, ठीक है। जो लिगेंड आपका काफ़ी बड़ा होगा वो मेटल की तरफ ईजिली अप्रोच नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये सिंपल बात। यहाँ पर मैंने सेम चीज़ यही लिखी है कि अगर आपके पास लिगेंड स्मॉल होगा तो मेटल की तरफ ईजिली अप्रोच कर पाएगा, अगर वो अप्रोच अच्छे से कर पाएगा तो स्प्लिटिंग हमारी बहुत अच्छे से आती है, यानी जो डेल्टा नोट की वैल्यू ना वो बहुत बढ़िया आती है। तो एफ जो फ्लोरीन होता है उसका साइज छोटा है, तो उसके केस में क्या है, मोर डेल्टा नोट की वैल्यू आती है देन सीएल नेगेटिव एंड बीआर नेगेटिव, क्लियर। उसके बाद देखो, वो लिगेंड जो इजिली पोलराइज होता हो वो क्या करता है, डेल्टा नोट की वैल्यू हमें ज्यादा देता है, ठीक है, ये हुआ सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है, द लिगेंड विच हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, वो लिगेंड जो अच्छे मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल CA नेगेटिव, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है NO, तो इनमें क्या है, मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, जिस ये ऐसे लिगेंड जो मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं वो बहुत अच्छी स्प्लिटिंग यानी डेल्टा नोट की वैल्यू बहुत अच्छी देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ है हमारे पास, ये मैंने लिखी है कि आपने बार बार पूछा है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और वीक फील्ड लिगेंड्स कौन से होते हैं, तो ये मैंने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखी है। देखो, यहाँ पे जो वाटर क्या है, इसमें न्यूट्रल होता है, ठीक है, वाटर के इस साइड वाले क्या होते हैं हमारे पास, वीक फील्ड लिगेंड्स,
ठीक है, ये क्या आएंगे हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड्स में, उसके बाद ये वाले जो आते हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में। ठीक है, सबसे वीक हमारे पास आयोडीन होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग हमारे पास कौन सा होता है, सीओ। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है जो एग्जाम्पल, सीओ है, सीएन है, NO2 है, NH3 है। ठीक है, वाटर का पूछ लेते हैं कई बारी। ठीक है, एफ नेगेटिव, सीएन नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, ये सारा इस तरीके वाले एग्जाम्पल मोस्टली पूछते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रख लो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कौन से हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स कौन से हैं। तो ये हमारे पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है, तो ये भी तो नेचर ऑफ लिगेंड्स में ही गया ना, क्योंकि अगर सपोज करो एफ नेगेटिव अटैच्ड हो मेटल की तरफ तो क्या होगी, स्प्लिटिंग किस तरीके से देगा, वीक फील्ड देगा या स्ट्रॉन्ग फील्ड देगा, उस हिसाब से। ये क्या है, वीक फील्ड में जाएगा तो हमारे पास स्पिनिंग क्या होगी, हमारे पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लगते हैं तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। ठीक है, तो यानी लिगेंड को चेंज करने से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है उसमें चेंज आ जाता है। ठीक है, डेल्टा नोड में यानी चेंज आ जाएगा। क्लियर, तो ये हमने पढ़ा है नेचर ऑफ द लिगेंड्स। ठीक है, ये हुआ हमारे पास पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। नेक्स्ट फैक्टर्स हम करते हैं, दो हमारे फैक्टर्स और रह गए हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन एंड ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, जो सेकंड फैक्टर है वो डिपेंड करता है हमारे पास, जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल आयन की। ठीक है, अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल आयन की हाई हुई, अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, मेटल आयन की अगर हाई हुई, तो वहाँ पे जो डेल्टा नोड वो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। जहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट लो हुई तो वहाँ पे जो डेल्टा नोट है वो क्या आएगा, कम आएगा। अगर हाई हुई तो डेल्टा नोट ज़्यादा, कम हुई तो डेल्टा नोट कम। ठीक है, अगर इसकी बात करें ये वाला कॉम्प्लेक्स है तो CO, इसमें जो हम निकालें ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसके कितने आएंगे, +3, इसके निकालें तो इसके क्या आएगी, +2। +3 के केस, ये +3 का केस है, ये +2, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें ज़्यादा है। इसमें ज़्यादा होने के कारण इसकी जो स्प्लिटिंग है देखो इतनी है, +2 क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, कम होने के कारण इसकी स्प्लिटिंग क्या है, इससे कम है। ठीक है, तो ये हुई हमारे पास बात ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन। क्लियर, अब हम बात करते हैं ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। तो देखो हमारे पास जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो डिपेंड करता है ज्योमेट्री पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखी है लाइन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डेल्टा नोट इज नियरली हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा नोट फॉर एक्टो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। यानी हमारे पास जो डेल्टा नोट की वैल्यू है, डेल्टा नोट की वैल्यू है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल के केस में, यानी जो स्प्लिटिंग की वैल्यू है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल के केस में अलग आती है, टेट्राहेड्रल के केस में अलग आती है। जो टेट्राहेड्रल का केस है उसमें जो डेल्टा इसकी स्प्लिटिंग की वैल्यू है ना वो नियरली क्या होती है, हाफ होती है देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से। वो उसकी वैल्यू कितनी है, 4/9, ये क्या है, डेल्टा टी 4/9 डेल्टा नोट। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारे पास जो स्प्लिटिंग है वो डिपेंड किस पे करता है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है या फिर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। क्लियर है, तो देखो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही हमारे पास रह गया है, थोड़ा सा ये मेरा सारा कवर हो गया है, फैक्टर्स वगैरह सारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन्स भरना भी सिखा दिया है, लेकिन हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना उसमें मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। ठीक है, क्वेश्चंस भी आपको मैं बता दूंगी किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। ठीक है, वो वैसे तो मैंने आपको बता दें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिलिंग करनी है, पर फिर भी मैं आपको जो क्वेश्चंस है नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। ठीक है, और एक पार्ट रह गया है हमारे पास, वो भी मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, जिसमें आता है हमारे पास जो कलर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, वो मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, कि हमारे पास ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस कलर्ड क्यों होते हैं उसका रीजन मुझे देना है, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी कवर। क्लियर, यानी हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे विद थोड़ा सा जो टॉपिक है हमारे पास ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का, वो हम कर लेंगे। क्लियर है, तो ये पढ़ लेना सारा, CFT मैंने करवा दिया, VBT मैंने करवा दिया, अगर ये पढ़ेंगे तभी नेक्स्ट वीडियो आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो इसको पढ़ के रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।